172 बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। 172 बिहार से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एनडीए समर्थित भाजपा से पांचवीं बार बिहार से विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे डॉक्टर सुनील कुमार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के उपरांत सैकड़ों कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर जीत की अग्रिम बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि हमने अपने बिहार से विधानसभा में कई विकास किए, हर क्षेत्र में विकास किया है। शहर से लेकर गांव तक हमने सड़क का निर्माण कराया है, बिजली घर घर तक पहुंचाया है, स्वच्छ पीने का पानी लोगों को मुहैया कराया है। हमारे विधानसभा में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विकास नहीं हुआ है। हमारे विरोधियों का अगर विकास नहीं दिखता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन प्रत्याशी की जमानत जब्त होगा, इस बार फिर हमें पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर एनडीए की सरकार बनाने में अपना योगदान दूंगा। हम तमाम 172 बिहार से विधानसभा की जनता का आभारी हूं, जिन्होंने हमें पहला भी अपना बहुमूल्य मत देकर जीत दिलाई है। इस बार भी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल बिहार से का एक बार सेवा का मौका मिलेगा। नहीं, किसी क्षेत्र में विकास का रुका नहीं रहा, हर क्षेत्रों में हमने विकास किया। बिहार विधानसभा का जो चौहद्दी है आप देख लीजिए, बिहार शरीफ शहर में अगर देवीसराय से इमादपुर तक जाएंगे या अली नगर झींग नगर से सोरी तक जाएंगे तो कोई ऐसा मोहल्ला टोला नहीं है जहां डॉक्टर सुनील के द्वारा विकास नहीं किया गया है, हमारे नाम के बोर्ड नहीं लगे हुए। उसी प्रकार अगर रहुई में जाएं, बेला से पेशौर तक जाएं और इधर मुसेपुर से निजाय तक जाएं तो कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ डॉक्टर सुनील ने विकास नहीं किया। तो मैंने तो बिना जात पात के भेदभाव के सभी का काम किया है, लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है। अभी फिर मौका लोग देंगे, फिर मैं विकास करूँगा। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि विकास की कोई सीमा नहीं होती है। मैं दूसरे उम्मीदवार के बारे में सोचता नहीं, मैंने काम किया है, मैं जानता हूँ कि मुझे बिहार शरीफ में हराना कठिन नहीं, नामुमकिन है।